गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज थोड़ा कम देर के लिए क्लास लूंगी, ठीक है। थोड़ा मैं कॉलेज में आई हूँ, वहाँ से क्लासेस ले रही हूँ। तो विदाउट पीपीटी मैं आज थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगी, ठीक है। सो जो वाइटल स्टैटिस्टिक जो है एक हमारा बचा था, ठीक है, तो वो यहाँ एक मिलेगा। मैं ये आप जो सिलेबस में देख रहे हो, सो यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है, वो एक पॉइंट रह गया हमारा, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगी, 2020 का जो है जो स्टैटिक है, ठीक है, वो क्या है, डेथ रेशियो, सेक्स रेशियो वगैरह क्या है, ठीक है, वो सब डिटेल में वो बता दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है वो, ठीक है। तो आगे जो है जो सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है, तो उसमें वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल आपका हो चुका है, तो उसके नोट्स में संडे को जो है डिटेल में आपको दे दूंगी। और यहाँ पे मैं सप्लीमेंट्री फीडिंग जो है, ठीक है, सेकंड मॉड्यूल में सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम जो है, MDMP, स्कूल लंच प्रोग्राम, ICDS, NNACP, NIDD-CP और विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम जो है, ठीक है, उसके बारे में थोड़े इनमें से एक दो आज हम लेंगे और फिर बाकी के कल जो है वो लेंगे, ठीक है। तो जो पहला है MDMP, मिड डे मील प्लान, ठीक है। तो जो भी सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, तो जो ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट थ्रू या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से कनेक्ट रहती है, ठीक है, सो उनके थ्रू जो है वो ली जाती है, ठीक है? जो भी फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, वो जनरली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो माल न्यूट्रिशन है उसको प्रिवेंट करने, राइट। सो जो एम है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स का, ठीक है, वो क्या होगा फिर, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, जो भी वल्नरेबल ग्रुप है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है, और जो भी जो फूड है, ठीक है, उसको वल्नरेबल ग्रुप्स के वल्नरेबल ग्रुप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो भी फूड सप्लीमेंट है उनको, ताकि जो भी माल न्यूट्रिशन है उसको कॉम्बैट करने में जो है वो हेल्प मिले। तो इस तरह के कुछ सप्लीमेंटेशन फीडिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है। सो पहला तो है MDMP विद द मील प्लान जो है, ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जो है ICDS जो है, NNACP, NIDD-CP, ठीक है, विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम, और इसके अलावा भी और भी है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये बालवाड़ी फीडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, कंपोजिट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है जो है, तो वही हम देखेंगे, ठीक है। सो जो पहला है MDMP, ठीक है, मिड डे मील प्लान प्रोग्राम, ठीक है, तो ये जनरली एक नेशनल प्रोग्राम है जो न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम की थ्रू जो है एक न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है, ठीक है, बच्चों को वो प्रोवाइड करता है। जनरली ये जो प्रोग्राम है MDMP, ठीक है, सो ये जो है 1995 में, ठीक है, अगस्त में जनरली लॉन्च हुआ था। जो भी बच्चे थे, ठीक है, एक कुछ स्टेट थे, ठीक है, तो उनके उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रोग्राम जो है वहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो इसके थ्रू जो है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है न्यूट्रिशन का वो बच्चे में बच्चों को मिल सके और जो बच्चों की हेल्थ है, ठीक है, वो वहाँ पे सुधर सके, ठीक है। जो मिड डे मील प्रोग्राम है, ठीक है, तो एक वन ऑफ द मेन ऑनगोइंग एक प्रोग्राम है, ठीक है, फीडिंग प्रोग्राम हम बोलेंगे, ठीक है। जनरली जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उसके थ्रू इसका एम जो है जो न्यूट्रिशन सपोर्ट देना, ठीक है, वो डिपार्टमेंट ऑफ जो एजुकेशन उसके थ्रू दिया जाता है, ठीक है। जो भी स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है,
उनको जनरली वो सपोर्ट दिया जाता है कि वो हेल्प जो है बच्चों की वो सुधार सके, ठीक है। और उसके साथ में जो यानी पुअर चिल्ड्रंस है, ठीक है, जिनको यानी जो फूड इंटेक है जिनका बहुत कम है ड्यू टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन, ड्यू टू देयर पुअर कंडीशन, ऐसे बच्चों की हेल्थ भी वहाँ पे सुधर सके, ठीक है। ओवरऑल बच्चों का जो हेल्थ है वो सुधारने के लिए प्रोग्राम, फीडिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है, ठीक है। और 1995 में अगस्त में जल्दी ये लॉन्च हुआ था। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली पुअर फैमिलीज के, ठीक है, सो उनको इनफ फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। जनरली जो भी उनका डाइट होता है घर में बनने वाला, ये वो बहुत इनएडिक्वेट रहता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनमें बहुत इनएडिक्वेट रहता है, ठीक है। और ऐसे कुछ रूरल एरियाज हैं, ठीक है, उनके वहाँ के बच्चे जो है जो स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो वो खाना खाते भी नहीं आते वहाँ पे, ठीक है, यानी एम्प्टी स्टमक आते हैं, राइट। सो ऐसी स्टडीज वहाँ पे की गई, ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंस में कुछ ऐसी स्टडी की गई, ठीक है। उस स्टडी के बेसिस पे जनरली, ठीक है, एजुकेशन लेते वक्त न्यूट्रिशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, तो वो समझने के बाद स्टडी की गई, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो पॉलिसीज कुछ बनाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो है कुछ जो इंटरनेशनल या फिर जो नेशनल है वो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, ताकि जो सप्लीमेंट है स्कूलों में, ठीक है, वो अच्छे से प्रोवाइड हो, यानी जो गाइडलाइन जनरली फॉलो करने पड़ती है, ठीक है, तो वो जो इंटरनेशनल यूनिट्स भी होती है तो वो भी वहाँ पे स्टडीज में जो है हेल्प करती है, ठीक। सो जो बच्चा है, ठीक है, सो उसका इंटरेस्ट जो है स्कूल में जो है लगे, और इसके साथ में जो बच्चे की हेल्थ भी सुधार पाए, तो इसका जो है एक मेन हम कहेंगे कि एम होता है इस प्रोग्राम का, ठीक है, क्योंकि जो है बच्चों का ड्रॉप रेट जो है वो बहुत ज्यादा था पहले, ठीक है, पर प्रॉपर खाना मिलने की वजह से, ठीक है, तो बच्चे जो है वो अट्रैक्ट वहाँ पे होने लगे, ठीक है, और उसकी वजह से खाना खाने के बाद यानी जो एजुकेशन एक फ्रेश माइंड से जो है बच्चे वहाँ पे जो है यानी एजुकेशन लेते हैं, राइट। तो वही है कि बच्चों को अट्रैक्ट करना और उनकी उस यानी उसको उनको एजुकेट करना, ठीक है, और उसके साथ में उनकी हेल्थ को भी वहाँ पे सुधारना, क्योंकि ये मेन मोटो था, ठीक है, उस प्रोग्राम का। तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं कि एक तो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, उसको यूनिवर्सलाइज करना, ठीक, उसके साथ में जो भी हम बोल सकते हैं कि बच्चों का जो स्कूल में अटेंडेंस है वो रेगुलर रहे, ठीक है, ये भी एक मेन मोटो था। उसके बाद में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का, ये प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है, तो वो वहाँ पे सुधार पाए, ठीक है। जनरली जो टारगेट ग्रुप होता है वो होता है 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनमें उनको जनरली ये मिड डे मील प्लान जो है, ठीक है, उनके लिए होता है। जो भी जैसे यहाँ पे जो है बोला गया कि जो अक्टूबर 2002 था, ठीक है, उससे लेके जो है वहाँ पे जो भी प्रोग्राम है वो वहाँ पे एक्सटेंड किया गया, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट गारंटी सॉरी एजुकेशन गारंटी स्कीम है, ठीक है, और अल्टरनेटिव यानी इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स के थ्रू जो है ये प्रोग्राम वहाँ पे अरेंज किया गया था, ठीक है। और जो प्राइवेट जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो वो इसके अंडर जो है वो नहीं आता है, ठीक है, वो इसके अंडर नहीं आता है, सिर्फ जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वही इसके अंदर आएंगे, गवर्नमेंट या फिर अभी तो सेमी गवर्नमेंट भी जो है उनको भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल भी जो है, ठीक है, इसमें इसके अंदर आएंगे, ठीक। जो मेन बेनिफिशरीज है, ठीक है, दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम के, सो जो स्कूल चिल्ड्रन है जनरली 6 to 11 ईयर्स के, ठीक है, सो वो यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम के कंपोनेंट कौन से हैं, ठीक है, सो जो मेजर कंपोनेंट है एमडीएम प्रोग्राम का,
ठीक है, वो है फूड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो सेंट्रल सपोर्ट जो है, ठीक है, तो वो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है, तो एक तो 100 जो ग्राम है फूड ग्रेन्स, चाहे वो गेहूं हो या फिर जो राइस हो, राइट, वीट हो या फिर राइस हो, ठीक है, पर चिल्ड्रन के हिसाब से 100 ग्राम फूड ग्रेन्स जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो वो कुक्ड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको घर में कुक करने के लिए जरूरी दिए जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे 3 kg फूड ग्रेन जो है पर स्टूडेंट पर मंथ के हिसाब से वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। एक तो स्कूल में होता है, या फिर कभी कभी जो है जब गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर जो है वो जब वहां पे भेजा जाता है स्कूल में, तो वहां पे पैकेट्स में भी जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। तो है ना, 1 के हिसाब से सपोज 3 kg है, तो 3 kg के जो है पैकेट जो है वो घर में भी बनाने के लिए दे सकते हैं। अगर वहां पे अरेंजमेंट नहीं है तो इस तरह से भी वहां पे दिया जाता है। पर जनरली मिड डे मील का जो है जो मेन एम ही है कि वो स्कूल है वो मिड डे में जो है उनको प्रोवाइड कर सके, और वो बच्चे उस वक्त जो है वो स्कूल में रहते हैं, तो इसकी वजह से। उसके बाद में जो सब्सिडी है, ठीक है, सो पर क्विंटल के हिसाब से ₹50 तक जो है वो दी जा रही है, ताकि सो जो फूड ग्रेन्स है, ठीक है, सो वो जनरली जो भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो सप्लाई होते हैं जो भी फूड ग्रेन है। सो जो भी मील या फूड सप्लीमेंट होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस प्रोग्राम के, ठीक है, जनरली 350 to 450 किलो कैलोरी जो है उनसे प्रोवाइड होती है। सो अरे हम बोल सकते हैं कि 20 to 30 ग्राम प्रोटीन जो है पर चाइल्ड के हिसाब से जो है वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो यानी इसे हम कह सकते हैं कि 1/3 जो है दिन भर की एनर्जी जो है इस मील से बच्चों को प्रोवाइड होती है। तो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, सो ये प्रोग्राम जनरली जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उसके थ्रू ऑपरेट किया गया। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है जनरली जो भी पंचायत है या फिर नगर पालिका जो है ये वहां पे पहले इम्प्लीमेंट किया गया। जो स्कूल प्रीमाइसेस है, जो फीडिंग प्रोग्राम है वो जनरली स्कूल प्रीमाइसेस उसमें ही जो है प्रिपेयर किया गया। जनरली जो भी स्कूल टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि फूड प्रिपेयर किस तरह से किया जाए, उसके साथ में फूड जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से मेंटेन किया जाए, यानी रिकॉर्ड यानी जो भी स्टॉक होगा या फिर जैसे रजिस्टर होगा, ठीक है, या फिर हेल्थ कार्ड होंगे, ठीक है, या फिर अटेंडेंस रजिस्टर होगा, तो ये सारा जो रिकॉर्ड है किस तरह से मेंटेन कर पाए, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे होती है। ठीक है, उसके अलावा एक हेल्पर जो है वो अपॉइंट की जाती है वहाँ पे, ठीक है, ताकि टीचर को असिस्ट कर सके, ठीक है, और उसके साथ में जो फीडिंग है वो ऑर्गेनाइज कर सके। उसके लिए जो स्पेशल जो बजटरी प्रोविजन है तो वो वहाँ पे अरेंज की जाती है। ठीक है, जो भी कॉस्ट होगा फ्यूल का, ठीक है, वो उसके बाद कॉन्डिमेंट्स है, स्पाइसेस है, ठीक है, उसके बाद जैसे कुक्स की सैलरीज है, हेल्पर की सैलरीज है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, वो स्पेशल बजट में आती है, वो स्पेशल बजट के प्रोविजन के अंदर आती है। तो यहाँ पे जो भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है, उनको कुक करके जो प्रोसेस करके फिर जो फूड जो है वो बना के फिर जो भी एजेंसीज है उसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होता है। ठीक है, सो इसमें हम वेरिएशन देख सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट जो है वो वहाँ पे जो है वैली हो सकता है, यानी हो सकता है कि दूसरे स्टेट में जो वहाँ का जो फूड है वो दूसरा हो, ठीक है, जैसे तमिलियंस है वहाँ पे सिर्फ राइस ही लेते हैं, तो उस तरह का भी जो है रसम या फिर राइस जो है उस तरह का भी वो फूड मिड डे मील प्लान से वो रीजन के हिसाब से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से वो प्रोग्राम होता है। उसके बाद में जो है
उसके बाद में जो ICDS प्रोग्राम है, ठीक है, सो जो ICDS प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, सो ये एक यूनिक प्रोग्राम जो है वो माना गया था, ठीक है, सो जनरली हेल्थ न्यूट्रिशन और जो भी डेवलपमेंटल नीड्स है यंग चिल्ड्रन या फिर एडोलेसेंट गर्ल की या फिर जैसे नर्सिंग मदर्स है, ठीक है, उनके लिए जो है ये प्रोग्राम अरेंज किया गया, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने जनरली 1975 to 1976 में 33 ब्लॉक्स में जो है वो अरेंज किया था प्रोग्राम, ठीक है, और ये अभी 43 to 48 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में जो है वो डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो अभी जो हम कह सकते हैं कि जो टारगेट ब्लॉक्स है तो वो है 5,652 ब्लॉक्स अभी जो है उनको वहाँ पे बनाना है, सो यानी अबाउट 26.85 मिलियन यंग चिल्ड्रन से जो है वो रीच यानी वो पहुंच रहे हैं, तो अबाउट 5.17 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स है, 5.3 मिलियन प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर्स है, तो ये जो नेटवर्क है, ठीक है, उसके थ्रू और उसके साथ में 5 लाख जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स है और 1 लाख से ज्यादा महिला मंडल है, तो यहाँ तक वो अभी पहुंच गए हैं, ठीक है, और इस तरह से उनका काम अभी भी शुरू है, ठीक है, सो जो ऑब्जेक्टिव है ICDS का, ठीक है, तो वो क्या है, एक तो जो एम है ICDS का, ठीक है, तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पे हो, पर्टिकुलरली 0 to 6 ईयर के बच्चों का, उसके साथ नर्सिंग एंड प्रेगनेंट वुमन जो डिप्राइव्ड से बिलोंग करती है, तो उनको जो अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, एक तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करना, उनका हेल्थ स्टेटस जो है, ठीक है, वो वहाँ पे इम्प्रूव करना, ये पर्टिकुलरली 0 to 6 ईयर बच्चे का और एडोलेसेंट बच्चे का, उसके साथ जो प्रॉपर साइकोलॉजिकल फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट है चाइल्ड का, उसका फाउंडेशन वहाँ पे बनाना, उसके साथ में जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है, माल न्यूट्रिशन का रेट है और स्कूल ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना, उसके बाद में जो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है पॉलिसी और उसके साथ में जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है वेरियस डिपार्टमेंट के साथ, ये उसको प्रमोट करना और चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये उसके साथ में एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन है, एडोलेसेंट गर्ल्स है और 45 इयर्स के जो लेडीज है ये भी इसके अंडर आएंगे, सो प्रोग्राम जो है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, राइट, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इनमेट्स एंड रेफरल सर्विसेज, देन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड नॉन फॉर्मल पीसफुल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, एडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, ये जो कंपोनेंट्स है इसको हम डिटेल में कल जानेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दी हूँ, बाकी का डिटेल में ये सब हम जानेंगे और फर्स्ट मॉड्यूल के नोट्स जो है मैं संडे को पूरा आपको जो है एक तो स्क्रीनशॉट में दे दूंगी, क्योंकि मुझे मैं लिख नहीं सकती बहुत सारे नोट्स से, तो इसके स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है, थैंक यू और प्रेजेंट रहने के लिए, कल फिर मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी ICDS जो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, सो थैंक यू ऑल, मैम हाँ बोलिए ना आती, मैम असाइनमेंट का क्या हुआ, क्या क्या इंटरनल असाइनमेंट, इंटर्नशिप असाइनमेंट का, हाँ 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 बोलिए ना, मतलब आप बोल रहे थे ना आज बताएंगे करके, आपने भेजा है क्या,
नहीं मैम, जो कल हमने हमारा प्रॉब्लम बताया था ना आपको, तो उससे आप कुछ सोल्यूशन बताने वाले थे आज। नहीं, वो ग्रुप में नहीं बनाना आपको, आपने था ग्रुप ना, ग्रुप का ना जो आप बना रहे थे वो आपको इंडिविजुअली बनाना है, ग्रुप में नहीं बना सकते। वो 100 मार्क्स का आपका एक इंडिविजुअल का ही रहेगा। ओके मैम, सबको इंडिविजुअली बनाना है, कोई ग्रुप में नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एक ही पर्सन का 100 मार्क्स का पेपर है। Thank you.